बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरह मैंने भी सोचा यार भाई मेरे पास भी एक ऐसा रूम तो होना चाहिए जहां मैं अपनी यूट्यूब वीडियो बना सकूं, वो भी स्टैटिक वाली, एंड मैं अपनी इंस्टाग्राम की रील बना सकूं प्यारी प्यारी, एंड बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कर सकूं। वो फुल साइज मिरर वाली तो देखी होगी ना आपने। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, मेरे पास था ये रूम जो कि इतना गंदा था। छी, इसका कलर देख रहे हो, इतना बकवास लग रहा है। तो मैंने पिंटरेस्ट पे स्क्रॉल करा कि भाई क्या हो सकता है स्टैटिक। तो स्टैटिक के नाम पे मेरे पे बहुत सारा व्हाइट 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 दिखाई दिया। तो मैं पहुंच गई मार्केट। मार्केट पहुंचने के बाद मैंने ना व्हाइट कलर ले लिया, पेंट ले लिया रूम के लिए, एंड अदर यूट्यूबर की तरह मैंने भी खुद ही पेंट करा। पेंट करने के बाद मैंने किए अपने लिए कर्टेन बनवाए फ्रिल वाले, एंड फ्रिल वाले कर्टेन बनवा के अब मेरे को फुल साइज मिरर भी चाहिए था। तो मेरे नियर बाय से मैंने ये मिरर खरीदा जो कि मुझे 2500 का पड़ा, एंड ये मैंने फिट करवा लिया। After that, आप लोग enjoy करिए ये पूरा vlog। So after so many long time, मैं आपको अपना room दिखाती हूँ। Before मतलब मैंने आज ही करना है ये पूरा डेकोरेट वगैरह है। मेरा सारा सामान आ गया, ऑलमोस्ट सारा आ गया। थोड़े बहुत प्लांट्स वगैरह लाने हैं, वो बगल में नर्सरी होगी, किसी दिन जाके लाके वो दिखा देंगे। पूरा रिवील तब कर दूंगी, तो अभी मैंने अभी कुछ करा नहीं है, तो वो दिखाती हूँ कहाँ से एंट्री होती है। वेट, सो ये है एंट्री, ये है गेट, यहाँ से मेरे को एंट्री करनी है। एंड पहले येल्लो कलर का पेंट था जो की बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एंड ये गेट यहाँ से बंद हो जाएगा, ये यहाँ से बंद हो गया है। एंड ये वाला जो देख रहे हो ये है वॉशरूम, तो ये सब बंद कर देते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। एंड यहाँ से है बालकनी, मतलब बाहर वाला एरिया है। देख रहे हो ये ना बहुत ज्यादा पूरा रूम क्योटिक हो रहा है। लुक एट दिस, मतलब यहाँ पे टेबल है, टेबल के नीचे मैंने ऐसे इनमें अपना सामान रख लिया है जो मेरा ना मैंने एक स्मॉल बिजनेस करा था, स्टार्टअप करा था काइंड ऑफ, तो वो यही हो गया कि स्टार्टअप तो कर लिया लेकिन वो चला नहीं इतना। मीशो पे है, अगर आप लोगों को भी इयर रिंग वगैरह लेने हैं तो मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप ले सकते हो। एंड प्लीज सपोर्ट। और ये इस वाली वॉल पे भी कुछ लगा देंगे। यहाँ पे ये मैंने मिरर लगवाया था, वो देख लिया होगा आपने ऑलरेडी। एंड ये टीवी है जो कि मैंने रख रखी है। बेसिकली टीवी मुझे इसलिए चाहिए थी जब यहाँ पे ना मेरे 1 लाख या 1 मिलियन कभी भी होंगे तो है ही, मेरे को पता है मैं इतनी डेडिकेटेड बच्ची हूँ, हो जाएंगे। तो वो नहीं, वो वाली जो रील होती है कदम कदम बढ़ाए जा, वो वाली रील बनाएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे काउंटिंग चल रही होगी यूट्यूब की, ठीक है। एंड ये है बेड जो कि अभी बहुत गंदा हो रहा है, क्योटिक हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये कर्टेन पड़े हैं। एंड ये मैंने तकिए के कवर मंगाए थे, छोटे छोटे कुशन के कवर, ठीक है। और ये सब मैं अभी ठीक करती हूँ, और यहाँ पे हमारी वो लग जाएगी पूरी। और ये बाहर नहीं जा सकती बिकॉज दिस इज सो मैंडेटरी, क्योंकि इसमें कपड़े होते हैं यार पहनने के, वो नहीं जाएगी। वॉल ना बहुत इम्पोर्टेंट है ये फ्यूचर के लिए, मैंने अभी से सेव कर रखी है। बिकॉज क्या है कि इस वाली वॉल पे हम प्ले बटन लगाएंगे, ठीक है, जब भी हमारे 1 लाख हो जाएंगे तो यहाँ पे प्ले बटन लगाएंगे जो कि बहुत अच्छी लगेगी। स्टार्ट करते हैं सब कुछ, पहले मैं टाइम लैप पे लगा के ये सब ठीक करती हूँ। पूरा जो मैस हो रखा है ये जितना देख रहे हो ना, ये सब कुछ ठीक करती हूँ, पूरे मैस को ठीक करती हूँ, एंड फिर आप लोगों से मिलती हूँ टाइम लैप पे। आप एंजॉय करना। मैंने ना सारा कुछ ये देख रहे हो पूरा क्लीन कर दिया, एंड सारा मैं इस चेयर पर डाल दिया और टेबल पर डाल दिया, उससे कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, वहां पे अपने कर्टेन्स लगाती हूँ। तो ये वाले कर्टेन्स जो है, ठीक है, ये कर्टेन्स मैंने खुद ही स्टिच करवाए, तो उसकी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। पहले मैं मार्केट गई थी, जिस दिन मैंने सोचा था रूम मेकओवर करना है, मैं पेंट लेने गई उसी दिन मैं ये वाले कपड़ा भी ले आई, और ये ऑलरेडी था तो नॉर्मली स्टिच कर दिया, तो साइड में आप लोगों को दिखाई दे जाएगा। मैंने भाभी से स्टिच करवा लिया, एंड ऐसे करना होता है, बहुत सिंपल तरीके से स्टिच हो जाता है। और स्टिच करवाने के बाद ये अच्छा खासा फ्लर वाला जो कर्टेन्स होते हैं वैसा बन गया। तो मुझे ये वहाँ पे लगाने हैं, एंड मैं वॉशरूम वाले गेट पे भी सेम डालूंगी ये दोनों, और यहाँ पे भी। इसके लिए मैंने व्हाइट कर्टेन अलग से मंगाया विंडो के लिए। जो ये कर्टेन से ये लगाती हूँ व्हाइट वाले, और ये इनकी क्वालिटी ओके कुछ है, और ये आए थे 850 कुछ के, 4 कर्टेन्स आए थे, फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं तेरी फ्रेंड हूँ बहुत बहुत। अब ये मैंने मंगाया था मीशो से, और ये है हमारी बेडशीट एंड कवर।
चेक करते हैं कितने की है मम्मी बताओ। डबल बेड लगी है, डबल बेड लगी जो छह सौ की मतलब कितने की लाई हूँ मैं। 300 की भी नहीं है सही में तो, और ये बात तो सही है वो 600 ही देंगी तो उसके ज्यादा नहीं। बेड शीट और ये दो तके के कवर आए थे अंडर 300 है, मीशो से लिए थे, बहुत मस्त है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये दो पिलो कवर भी आए थे, ये भी मीशो से लिया था मैंने, अब इनका कुछ जुगाड़ करते हैं, मेरे पे छोटी पिलोज भी नहीं है, लेट्स डू समथिंग। अब मैं ये मैक्रमे हैंगिंग लगा रही हूँ जो मैंने मीशो से लिया था, एंड इसे मैं यहाँ पर टॉप कर दूंगी। दी सेल्स ये मैंने मीशो से ली थी, ये भी हैवी हैंग लगेंगे, लव हैंगिंग लगाऊंगी इस वाली वॉल पे, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा मीशो वाला चाहे वो देखा है, व्लॉग देखा है, इससे पहले वाला, जस्ट पहले वाला व्लॉग देखा है, तो उसमें आपने देखा होगा मैंने लव हैंगिंग दिखाई थी जो जस्ट इन 150 रुपीज़ के अंडर थी, एंड उसको हमें यहाँ पे स्टिक कर देना है। उसके लिए ना मैंने पहले से ही एक मिनट, ठीक है, ये लव हैंगिंग है, ठीक है, और इसमें मैंने जैसे ओ है, ओ के पीछे मैंने डबल टेप, ये देख रहे हैं, ये डबल टेप ऑलरेडी लगा दिए हैं सबके पीछे लगा दिए हैं, ई के पीछे भी, तो जैसा वहाँ पे पिक्चर में लगा हुआ था ना सेम उसी वे से मैं भी लगाने वाली हूँ, एंड मैं इस वॉल पे ऐसे लगा दूंगी और देखते हैं इसके बाद वो कैसा लगता है। चलो साथ में करते हैं, एल के ऊपर हम ये रखते हैं, इट्स लुक नाइस। ये हो गया हमारा लव रेडी, आई लाइक इट। ये जो देख रहे हैं ये लव मैंने लगा दिया, इसे इसके ऊपर मैं ऐसे छोटे छोटे पॉट्स रखूंगी, और मैंने कुछ मंगाया था लेकिन वो ना फाइनल रिजल्ट आपको एंड में रिवील होगा, अभी इतना ही दिखा रही हूँ। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट टास्क पे, एंड नेक्स्ट टास्क होने वाला है हमारा पूरे में हमें LED लगानी है। सो गाइस मेरे पीछे वॉल देख रहे हो टीवी की साइड वाली एंड ये बैक वाली, इस पर मैं लगाने वाली हूँ ये पोस्टर जो कि मैंने मीशो से लिए थे, 300 समथिंग अमाउंट था, आप लोग भी ले सकते हो एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, बाकी मैं इसे लगाती हूँ एंड आपको एंड रिजल्ट दिखाऊंगी। एंड द बेस्ट पार्ट इसके साथ ये भी आया है, आई थिंक डबल साइडेड टेप है जो ऐसे करके लग जाएगा, देखते हैं कैसे लगाना है। मैंने हैक निकाला, ये देख रहे हो मैंने ऐसे टेप खोलती जा रही हूँ, ऐसे साइड साइड में लगाती जा रही हूँ, ठीक है, ऐसे करके फिर मैं इन्हें काट दूंगी एक साथ, टिक 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 टिक, तो ये इजी वे है। हैप्पी तो गाइज मैंने ये दोनों साइड पे ऐसे टेप चिपका दिया, बस इन्हें अलग कर देती हूँ, ठीक है। इतना बहुत टाइम लग गया यार इसी में, बहुत टाइम लग गया, मेरे तो थक गई इसको करते करते, जल्दी से इसे करके देन यहाँ पे लगाते हैं। अभी मैं आई हूँ लंच करके, एंड मेरे को ना सबसे ज्यादा टाइम लगा था इनमें, ये वाली जो देख रहे हो, देखो ये टेप देख रहे हो, ये लगाने में एंड दोनों साइड लगानी पड़ रही है ऊपर और नीचे, स्टिकर लगाती जाती हूँ। मैंने सोचा ये वाला पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे ये रखी है कुशन रखी है, इसके दो या तीन हाथ ऊपर से यहाँ से ऐसे लगाती हूँ ऐसे, तो देखते हैं कितना लग पाएगा और स्टार्ट करते हैं। अभी ना जो ये मिरर देख रहे हो इस पे लाइटिंग करनी है, एंड थोड़ा सा दिखा रही हूँ वहाँ पे भी मैंने पोस्टर लगा दी है, एंड रिवील मैं तभी करूंगी, एकदम जब रिवील करूंगी तब दिखाऊंगी। सो अभी इस पे लाइटिंग लगाते हैं, और लाइटिंग के लिए मैं जो यूज कर रही हूँ, एक मिनट, ये LED लाइट लगानी है, ठीक है, पूरे मिरर पे, बहुत बड़ी लाइट है ये, तो पूरे रूम में भी लग जाएगी, इतनी बड़ी है, तो इस पे लगा के ऐसे पूरे बॉर्डर पे लगा देंगे तो ये अच्छी लगेगी। लेट्स डू। गाइज ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है, लाइक अभी मेरे को टेबल क्लीन करनी है और झाड़ू लगानी है, बाकी मैंने मिरर पे LED लगा दिया है। पीछे से आप नीचे देख रहे हो थोड़ा थोड़ा लाइट पॉप कर रहा है, मैंने नीचे पूरे LED लगा दिया, एंड ये लीव्स है ना फेक लीव्स, ये अप्लाई करूंगी। अब आप रिवील के लिए रेडी हो जाओ, 1 2 3
तक कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। कौन सी वाली चीज ज्यादा अच्छी लग रही है, पीछे वाली या ये मिरर वाली? मिरर वाला लग रहा है ना, मेरे को भी मिरर ही लग रहा है। ना कैसा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है तुम्हें? अब अच्छा लग रहा है ना। हाँ, मैंने कही ना अभी रुक जाओ, LED जलाते ही तुम बोलोगी अरे वाह क्या लग रहा है। कैसे किया ये सब तुमने? तो गाइस ये था मेरा पूरा रूम टूर, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे को स्पेशली मेरा ये मिरर वाला एरिया, मतलब ये दिस कॉर्नर, जो कि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया है। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया हो। अगर पसंद आता है प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करके बताइएगा क्या आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। एंड अगर इस पूरी वीडियो पे 50K लाइक्स आ गए लाइक, तो मैं अपना हाउस का पूरा डेकोरेट करूंगी, पूरा मेकओवर करूंगी, हाउस मेकओवर दिखाऊंगी आपको। इवन इसके अलावा मेरे हाउस में जितने भी कमरे हैं ना, मैं उनका मेकओवर करके दिखाऊंगी। तो प्लीज आप ना इस वीडियो पे 50K लाइक्स करवा दीजिएगा। एंड क्योंकि इस वीडियो को बनाने में लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, एंड अभी जो बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं रात के, तो बाकी ये सामान इकट्ठा करना, खरीदना, मीशो पे सर्च करना कि भाई कौन सी चीज सबसे अच्छी है वही लेनी है, और बजट में बनाना, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए 50K, देन हम अदर रूम डेकोर करेंगे एंड अदर पूरा मैं अपना हाउस डेकोर करूंगी अगर आ गया तो। लाइक कर दीजिए एंड आप लोग चाहते हो ये सारे सामान लाइक दिस एंड ये खुदा, ये पॉट्स लव वाला जो है, ठीक है, एंड यहाँ पे ये देख रहे हो ये पोस्टर वॉल जो है, ये सब मैंने सच बता रही हूँ बजट में खरीदा है, कुछ भी ऐसा महंगा नहीं लिया, सब कुछ बजट में। अगर आपको कुछ भी चाहिए ना, लिंक तो मिल ही जाएगा साथ में, मैं ना प्लेलिस्ट यहाँ पे ना आप लोग मेरी वो वीडियो भी देख सकते हो तो, जिसमें मैंने मीशो का पूरा हॉल डाल दिया, अपना होम डेकोर का पूरा हॉल डाला है, वो जाके चेक करो। एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, बाय, लव यू।